नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं दिव्या तिवारी। फटाफट अंदाज में रफ्तार से खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है उदयपुर से, जहां आवासीय इलाकों में पैंथर की दस्तक और शहर के माछला मगरा इलाके में दिखा है पैंथर। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है पैंथर का मूवमेंट और वन विभाग को दी गई है सूचना। तो इस वक्त की बड़ी खबर उदयपुर से, जहां आवासीय इलाकों में पैंथर की दस्तक देखी गई है। शहर के माछला मगरा इलाके में ये पैंथर देखा गया है। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ है पैंथर का मूवमेंट और दहशत देखी जा रही है लोगों में। वन विभाग को हालांकि सूचना दे दी गई है। और आपको बता दें कि आज ही जयपुर में कड़ी मशक्कत के बाद पैंथर को पकड़ा गया, लेकिन एक और बड़ी जानकारी ये कि उदयपुर में भी आबादी वाले इलाके में घुसाया है पैंथर। वन विभाग को सूचना दे दी गई है, लेकिन दहशत देखी जा रही है। उदयपुर से ये बड़ी खबर, जंगली जानवरों का रुख अब आबादी वाले इलाकों की तरफ बार बार देखा जाता रहा है। और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आवासीय इलाकों में पैंथर की दस्तक। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये पैंथर यहां पर नजर आया है, जिसके बाद लोगों में दहशत है और वन विभाग को सूचना हालांकि दे दी गई है, लेकिन कहां से ये पैंथर यहां पहुंचा ये अभी तक जानकारी हाथ नहीं लग पाई है। लेकिन आमतौर पर जंगलों में जब खाना नहीं मिलता है इन पैंथर को, वहाँ पर जो चीज़ें होनी चाहिए वो वहाँ पर नहीं मिलती हैं, फेंसिंग की अगर समस्याएं रहती हैं, तो उसी कड़ी में ये जो पैंथर हैं ये आवासीय इलाकों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि इस वक्त जुड़े हुए हैं। रवि, कौन सा इलाका है जहाँ पर इस पैंथर का मूवमेंट दिखाई दिया है? जी बिल्कुल, देखिए दरअसल उदयपुर का जो दूध तलाई और माछला मगरा का इलाका है, हालांकि गनी यहाँ पर फॉरेस्ट है, लेकिन उसके अलावा आवासीय आबादी इलाका भी पूरा है यहाँ पर। और कल देर रात का ये पूरा वीडियो जो है वो बताया जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज है जिसमें कि पैंथर आया और मूवमेंट उसका जो है वो इसमें कैप्चर हुआ है। और दरअसल मैं बताना चाहूंगा कि इस इलाके में अमूमन जो है पैंथर्स के मूवमेंट देखे गए हैं, लेकिन आबादी इलाकों तक जो पैंथर की पहुंच तो देर रात का ही वीडियो बताया जा रहा है और पैंथर का मूवमेंट कैद हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।